सुनते हैं उनको। एंड आई एम नॉट बीइंग अलाउड टू स्पीक इन द हाउस, सो आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू अलाउ द एंटायर ऑपोजिशन टू स्पीक इन द हाउस बिकॉज ही ओज दिस कंट्री एन एक्सप्लेनेशन। ही हैज टेकन अ डिसीजन अगेंस्ट द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री। He has destroyed millions of lives and he is answerable. He has personally taken this decision and he cannot keep running away from the house. He cannot keep running away to pop concerts, to public meetings. This is a democracy. He owes the country an explanation and he owes us, the entire opposition, a space in the discussion in the Lok Sabha. Hindi mein? Ek mahine se pura opposition, sab party, Lok Sabha mein charcha karni chahte hain. Yahan pe har party ke representatives baithe hue hain. सरकार और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि हम लोकसभा में, पार्लियामेंट में अपनी बात रखें। प्रधानमंत्री जी पर्सनली डरते हैं, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा और वह हमें अंदर बोलने देना नहीं चाहते हैं। हमने स्पीकर से कहा है कि सब के सब रूल्स आप डिस्पेंस कर सकती हैं, सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को जगह दे दो बोलने की, ये हमारा हक है। उसके बाद आप जो जवाब देना चाहते हैं, जितना टाइम आप चाहते हैं, प्रधानमंत्री पर्सनली बोलना चाहते हैं, आप दीजिए, मगर ये हमारा राजनीतिक हक है। हम चुनकर आए हैं, हम सब एमपीज हैं, ये हमारा हक बनता है कि हमें वहां बोलने दिया जाए। और प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, कभी पॉप कॉन्सर्ट में जाते हैं, कभी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, हाउस में क्यों नहीं आ रहे हैं, हाउस में हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं। पहली बार इतिहास में ट्रेजरी बेंचेस, सरकार चर्चा को रोक रही है। नॉर्मली आमतौर से ऑपोजिशन रोकती है, पहली बार हमने देखा कि ऑपोजिशन बैठी है, सरकार के लोग खड़े हैं कि भैया चर्चा नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को बहाने बनाना बंद करना चाहिए, आना चाहिए अंदर और हम सबको बोलने का समय देना चाहिए, फिर देश डिसीजन ले कि ऑपोजिशन के लोग सच बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं। धन्यवाद। अब ऑपोजिशन कर रहे थे, लोकसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई है आज हंगामे के बाद, और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला राहुल गांधी ने और कहा कि मेरे पास उनको लेकर निजी जानकारी है, अगर मैं बोला लोकसभा में तो जो झूठ का गुब्बारा है प्रधानमंत्री मोदी का वो फट जाएगा, लिहाजा सरकार चर्चा से भाग रही है, जो विपक्ष है उसको बोलने नहीं दिया जा रहा। ये आरोप लगाते हुए राहुल गांधी इस वक्त तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें उन्होंने ये बात कही कि मैं अपनी बात लोकसभा में रखना चाहता हूं, चर्चा विपक्ष करना चाहता है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। हालांकि सरकार की ओर से भी यह कहा जा रहा है कि चर्चा हो जाए, चर्चा विपक्ष नहीं करना चाहता, लगातार हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी फिलहाल तीखे अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और रजत राकेश टंडन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रजत, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सारे रूल स्पीकर डिस्पेंस कर दे, बस बोलने दिया जाए, सरकार भी तो कह रही है कि बहस करिए, चर्चा करिए। देखिए, उससे बड़ी बात मुझे लगता है कि आज पहली बार ऐसा हुआ होगा कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ऑपोजिशन के जितने लीडर्स थे सब उनके साथ थे, और बड़ा अटैक जो किया है उन्होंने वो प्रधानमंत्री मोदी पे किया है कि उनके खिलाफ जो करप्शन का चार्ज है, पर्सनल चार्ज राहुल गांधी खिलाफ है। जी बिल्कुल रजत, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता था कि राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है जिससे प्रधानमंत्री का, मोदी का जो झूठ का गुब्बारा है वो फट जाएगा, क्या है ये जानकारी? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मुझ पर विश्वास रखिए,
पर्सनल जानकारी है, किस तरीके से गलती हुई है नरेंद्र मोदी से, वो सारा गुब्बारा जो मोदी का है वो फट जाएगा, ऐसा कहना था राहुल गांधी का। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन वो लोकसभा में ही बोलेंगे, लोकसभा के बाहर नहीं बोलेंगे। और वो कह रहे हैं कि मैं बोलना चाहता हूं लेकिन सरकार मुझे इसलिए बोलने देना नहीं चाहती क्योंकि डायरेक्ट अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे होगा और उनके खिलाफ मेरे पास पर्याप्त सबूत दिए, यानी इसमें कॉन्फिडेंस राहुल गांधी कि कुछ ऐसा मामला उनके पास है जो कि सीधे जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी चलिए रजत, फिलहाल इससे जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी ने पहली बार पार्लियामेंट कैंपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ सरकार पर तीखा हमला बोला, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला कि उनको लेकर कुछ जानकारियां हैं जिसे मैं लोकसभा में संसद में रखना चाहता हूं, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है क्योंकि अगर मैंने बोला तो प्रधानमंत्री मोदी के झूठ का गुब्बारा फट जाएगा। हालांकि ये पूरी जानकारी क्या है ये उन्होंने नहीं दी और कहा कि संसद में अगर मुझे बोलने दिया जाता है तो मैं ये बात रखूंगा। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। मोदी के भ्रष्टाचार की निजी जानकारी है इसलिए उन्हें लोकसभा में नहीं बोलने दिया जा रहा है। राहुल ने कहा कि इतिहास में पहली बार सरकार चर्चा को रोक रही है। राहुल ने चर्चा की मांग करते हुए कहा कि विपक्ष को बोलने दिया जाए फिर देश फैसला करे कि कौन सही है और कौन गलत है। एक महीने से पूरा ऑपोजिशन, सब पार्टी लोकसभा में चर्चा करनी चाहते हैं। यहां पे हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं। सरकार और प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि हम लोकसभा में, पार्लियामेंट में अपनी बात रखें। प्रधानमंत्री जी पर्सनली डरते हैं, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा और वह हमें अंदर बोलने देना नहीं चाहते हैं। हमने स्पीकर से कहा है कि सब के सब रूल्स आप डिस्पेंस कर सकती हैं, सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को जगह दे दो बोलने की, यह हमारा हक है। उसके बाद आप जो जवाब देना चाहते हैं, जितना टाइम आप चाहते हैं, प्रधानमंत्री पर्सनली बोलना चाहते हैं आप दीजिए, मगर यह हमारा राजनीतिक हक है। हम चुनकर आए हैं, हम सब एमपीज हैं, कि हमारा हक बनता है कि हमें वहां बोलने दिया जाए। और प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, कभी पॉप कॉन्सर्ट में जाते हैं, कभी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, हाउस में क्यों नहीं आ रहे हैं, हाउस में हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं। पहली बार इतिहास में ट्रेजरी बेंचेस, सरकार चर्चा को रोक रही है। प्रधानमंत्री जी को बहाने बनाना बंद करना चाहिए, आना चाहिए अंदर और हम सबको बोलने का समय देना चाहिए, फिर देश डिसीजन ले कि ऑपोजिशन के लोग सच बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं। और सांसद बाबुल सुप्रियो का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए सुनते हैं। ऐसे रोका जा रहा है। अच्छा, अजीब अजीब एलिगेशन लेके आते हैं। अब सवाल उन्होंने उठाई है, अब देखिए जवाब भी वही देंगे क्योंकि पीएम साहब को या सरकार पक्ष से किसी को कुछ कहने का मौका तो नहीं दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी, मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ, जितना वो बोले हमारे लिए अच्छा है। कह रहे हैं कि पीएम डरे हुए हैं, सरकार चर्चा नहीं होने देना चाह रही है। अच्छा, राहुल गांधी जी का बयान है, वो एक्चुअली संसद में आते नहीं है ना, तो वो विपक्ष के नेता होने के नाते घर से जो है डायरेक्टिव्स लेके भेजते हैं उनके सांसदों को कि संसद चलने मत देना। घर पे बैठे रहते हैं, बिजी रहते हैं काफी, हमको तो मालूम ही है देश विदेश में। तो संसद में क्या हो रहा है, कौन संसद चलने नहीं दे रहा है, उनके लिए शायद उनको जानकारी नहीं है। मैं कोशिश करता हूं अगर फोन में उनको थोड़ा सा मैं आलोकित कर सकूं तो मैं कर लूंगा आज। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल। सुधांशु जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर निजी जानकारी है और इसी वजह से संसद में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, अगर वो संसद में बोलेंगे तो बम फट जाएगा। शेर आया, सुनते सुनते थक गए लोग, इधर तक तो नहीं आता इनका तो। और जहां तक उनके पास पुख्ता सबूत का सवाल है,
उसके लिए उनको संसद की कहां जरूरत है। वो तो जब ये इल्जाम लगाते हैं कि प्रधानमंत्री खून की दलाली कर रहे हैं सेना की, तो कोई संसद में लगाया था उन्होंने इल्जाम? क्या संसद के बाहर भी लगाया था उन्होंने? तो संसद के बाहर दिखा दे, यहां तो गजब का कमाल है, खुद संसद चलने ना दो, उसके बाद कहो संसद सरकार जो है डरती है उनसे। चिद्री मेरी है, पटरी मेरी, अंटा मेरे बाप का, मतलब मुझे लगता है कहीं ये सख्या गए हैं कुछ, मतलब कुछ संतुलन जिसको कहते हैं मानसिक संतुलन तो वैसे ही कम था, अब तो शब्दों का संतुलन भी खत्म हो चुका है। सर सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नोटबंदी के मसले पर एक महीने से चर्चा चाह रहा है विपक्ष, चर्चा नहीं होने दे रही है सरकार। चर्चा अगर चाह रहा होता तो जब उनसे कहा गया कि प्रधानमंत्री चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा करी तो चर्चा नहीं करी, तब कहा नहीं नहीं तीन दिन तक बैठे, फिर अब उनसे कह दिया कि चलो तीन दिन तक बैठेंगे, सबका सुनेंगे, तब संसद रोक के बैठे हुए हैं। ये संसद रोकना जो है उसका कारण नोटबंदी नहीं है, ये तो बहाना है। इनको डर है कि संसद अगर चलेगी तो सरकार जो है अपने अच्छे कामों को जनता के सामने दिखाएगी। दूसरा, जो जो विधायक पास होने हैं जिससे देश की जनता का, गरीब आदमी का भला होने वाला है, वो हो जाएंगे, उस डर से ये लोग करने नहीं दे रहे। तो राहुल गांधी जी को ना तो देश गंभीरता से लेता है, ना कोई जना गंभीरता से लेता है। उनकी सोच में एक विकृति है, एक विकृत मानसिकता से ग्रस्त है। तो क्या राहुल गांधी जी के बयानों पर कोई टिप्पणी करे? ऐसे बयान तो एक कान से सुनने चाहिए, दूसरे कान से निकाल देने चाहिए। संतुलन जिस आदमी का खो गया हो, उसके बयान को कहां गंभीरता से लेगा कोई? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमसे बात करने के लिए। तो बहरहाल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कुछ देर पहले की है, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बातें रखी हैं सामने। पीएम के बारे में उनके पास निजी जानकारी है, उनके भ्रष्टाचार के बारे में ऐसा कहना है राहुल गांधी का। उनका कहना है कि एक महीने से चर्चा के लिए विपक्ष सरकार के सामने चर्चा चाह रहा है नोटबंदी पर, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है, पीएम डरे हुए हैं इसलिए बोलने नहीं दे रहे हैं। तमाम बातें राहुल गांधी ने रखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, कैसे देखें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? राहुल गांधी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं कि उनके पास निजी जानकारी है भ्रष्टाचार को लेकर, और संसद में वो बोलना चाह रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, लगभग तीन चार दिन से राहुल गांधी अपनी स्पीच, डेली रिटर्न स्पीच जो है वो लेकर आते थे और सोचते थे कि अगर लोकसभा में चर्चा होगी तो वो स्पीच बोलेंगे, लेकिन लगातार सदन चल नहीं पा रहा था, इसलिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मुझे लगता है पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बहुत समय बाद राहुल गांधी ने पार्लियामेंट की, और एंटायर अपोजिशन के जो लीडर्स थे वो राहुल गांधी के साथ बैठे। बड़ी बात उन्होंने ये कही कि मेरे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि नरेंद्र मोदी ने कुछ गलत किया है और मैं वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोलना चाहता हूं, इसीलिए ये हाउस नहीं चला रहे हैं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बोलना चाहता हूं। साफ तौर पर उन्होंने कहा, जब हमने पूछा कि आप इस इन्फॉर्मेशन को बताइए, तो उन्होंने साफ कहा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं लोकसभा के पटल पर ही बोलूंगा, बाहर नहीं बोलूंगा, और पर्सनल गलतियां करी है नरेंद्र मोदी में उसके सबूत है मेरे पास, और जो बैलून है आप कह सकते हैं मोदी का कैशलेस इंडिया पे, उसके खिलाफ कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन से जो राहुल गांधी बोलना चाहते हैं लोकसभा में। उन्होंने साफ कहा कि जब भी समय मिलेगा मुझको लोकसभा में बोलने का, किसी भी रूल के अंडर मिलेगा, मैं लोकसभा में ये जानकारी रखूंगा। लेकिन रजत ये बताइए कि अब कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा, अगर इतनी जरूरी जानकारी उनके पास है जैसा वो कह रहे हैं, जैसा वो दावा कर रहे हैं कि बलून फट जाएगा, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो कई पन्ने लेकर आते हैं लोकसभा, अगर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है तो जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात रखी, वैसे ही दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये जानकारी भी रख सकते हैं। क्यों, अगर वो मानते ही है कि सरकार चर्चा को तैयार नहीं है, तो क्यों लोकसभा में ही बोलने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं? तो हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। बहरहाल हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश सिंह ने बात की धर्मेंद्र प्रधान से इसी मसले पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस की बात की है और लगातार उसको लेकर जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या मंत्री क्या सांसद इसको लेकर कितनी उनकी बातों को फॉलो करें, हमारे साथ बातचीत करने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब। धर्मेंद्र प्रधान साहब, जो कैशलेस की बात कर रहे हैं, क्या आप उसका प्रयोग कर रहे हैं? बिल्कुल, हम तो अपने शुरू से ही अपने
सारे कारोबार हम अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से करते थे और बाकी जो नहीं करते थे भी करने लगे हैं। क्या आपने कभी लाइन में लगे एटीएम में? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं कि मैं तो कार्ड लेके सीधा खरीदने के लिए जाता हूँ, एटीएम क्यों जाऊँ। वही तो हम लोगों को अपील कर रहे हैं और हम जो करते आ रहे थे अनुभव से, व्यक्तिगत अनुभव से, कि आप जो खरीदारी करने के लिए जो आपकी आवश्यकता पड़ रही है उसमें कैश में क्यों कर रहे हैं? एटीएम जाना, कैश विड्रॉ करना, फिर उसी कैश में खरीदना, उसके बजाय जैसे सीधा सीधा दुकान पे जाके वहां आप कार्ड पे खरीदिए। मैं वैसे करते आ रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, एटीएम जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, पेटीएम का भी कभी प्रयोग किया क्या? नहीं, मैंने तो कार्ड में करता हूँ, मैं मेरा जो स्टेट बैंक की डेबिट कार्ड है उसी में मैं करता हूँ। इस पूरी खबर पे